ये जहर, ये गुजरात के प्रति द्वेष, गुजरातियों के प्रति द्वेष, और उसी का परिणाम पंडित नेहरू ने जिस नर्मदा योजना का शिलान्यास किया था, लेकिन इसलिए आंख में वो चूपती थी क्योंकि सरदार सरोवर नर्मदा योजना की कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और यही कारण था कि उसको पूरा नहीं होने दिया गया। कोई कल्पना कर सकता है आज से 40-50 साल पहले ये नर्मदा योजना का काम पूरा हुआ होता तो आज गुजरात कहां से कहां पहुंचा होता? क्या ये किसी को सोचने के लिए जरूरत पड़ेगी क्या? लेकिन भाइयों बहनों, बेशर्मी के साथ झूठ की भी कोई हद होती है क्या? हमें पूछते हैं नर्मदा पूरी क्यों नहीं हुई? गुजरात के बच्चे बच्चे को पता है नर्मदा के लिए हमें कितना जुल्म सहना पड़ा है, कितना संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपके कालखंड में ये पाली तणा का डैम बना था, पाली तणा का। आप हैरान होंगे, जब तक गुजरात में मोदी सरकार नहीं बनी थी तब तक 20-30 साल बीत गए थे, पाली तणा डैम में पानी आता था लेकिन पानी ले जाने के लिए एक भी नहर नहीं बनाई थी। जिन लोगों को पाली तणा डैम की नहर बनाना नहीं आया था वे आज हमें पूछ रहे हैं